हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। देखिए, ये जो रिव्यू है वो है मेलाज़मा पिगमेंटेशन का, पर जो कमेंट्स आएंगे कि चेहरा तो दिखाई नहीं रहे, जो सबसे पहली चीज़ है वो हम रिस्पेक्ट करते हैं पेशेंट की प्राइवेसी की। ये किसी बंद कमरे में शूट नहीं हो रहा है कि स्क्रिप्टेड है, यहाँ पे लाइव ओपीडी में शूट हो रहा है। और अभी जो दो तीन हमारे नए पेशेंट यहाँ पर आए थे, तो हमने मैम की इंटरेक्शन भी करवाई थी उनसे, ताकि उनको पॉजिटिविटी आए। क्योंकि जो यहाँ पर ओपीडी में वो बैठे थे मैम, मैंने उनको बात करते हुए सुना कि ना, मैंने ना कुछ कमेंट्स देखे रिव्यूज़ पे, वो ना बड़े नेगेटिव थे, तो मन में ना एक डाउट सा आता है, तो मैंने वो सुन लिया था, तो मैंने आपकी बात इसीलिए करवाई थी उनसे। ठीक है, नमस्कार मैम। नमस्कार सर। अच्छा मैम, आपका यहाँ पर कौन सी बीमारी का इलाज चल रहा था? सर, मुझे पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम थी। ठीक है। और 6 to 7 ईयर्स से प्रॉब्लम थी। ओके। और काफ़ी जगह मैंने, मतलब हर जगह से ट्रीटमेंट कराया था। हाँ। और मोस्टली एलोपैथिक ट्रीटमेंट मैंने लिया था। ठीक है। बट कोई भी इफेक्ट नहीं होता था। हाँ। उसके बाद मैंने क्रीम ली, जैसे सजेस्ट कर दी जाती है कि ये क्रीम यूज़ कर लीजिए, स्पोर्ट्स चले जाएंगे, वहाँ से मेडिकल स्टोर से सजेस्ट कर देते हैं या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बोल देते हैं। तो बट उससे फेस की जो स्किन थी वो और ज़्यादा ख़राब हो रही थी, अंदर से वो क्योर नहीं हो पाती है। और जो जहाँ जहाँ पे स्पॉट था, जैसे मैंने लगाई, तो वो सब जो है ख़राब हो जाता था और ज़्यादा वो। और मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी इस चीज़ से। आप सोच सकते हैं कि एक लड़की के लिए उसके फेस पे सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आता, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो रहता है। अच्छा, जब आईने में आप देखते थे तो कहीं ना कहीं वो एक डीमोटिवेशन सा आता होगा, बहुत कि क्या हो गया जी, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो रहता था। ऊपर से एक ये चीज़ है कि उस चीज़ के लिए मैंने फेशियल भी करा लो, बट वो चीज़ कभी कोई ग्लो आता नहीं था, स्किन इतनी ज़्यादा डल थी और इवन नहीं थी। अच्छा, जैसे सलोन्स में जाते थे आप, तो वो आपको कहते होंगे ये वाला ट्रीटमेंट करवा लो, जी ये वाला लगवा लो, उससे साफ हो जाएगा, तो आपने ट्राई किया होगा एक दो बार? तो नहीं, ट्राई तो नहीं किया, क्योंकि मुझे बिलीव नहीं था। मुझे आयुर्वेदिक पे बिलीव है, मैं एलोपैथिक पे बिलीव नहीं करती हूँ। अच्छा, जैसे जब ये होने लगा था चेहरे पे, तो आप शुरू में क्रीम तो लेके आते थे लगाने के लिए? जी, स्टार्टिंग में मैंने क्रीम ली थी। ये गलतियाँ ना मैक्सिमम लोग कर रहे हैं, और मैं हर एक वीडियो में यही चीज़ बोलता हूँ कि आप ये समझिए कि मैं शेर भी है गालिब का, ये कि सारी उम्र बस मैं ये भूल करता रहा, धूल आईने पे जमी थी और चेहरा साफ करता रहा। वो मेन प्रॉब्लम ये होती कि लोग सही जगह पहुंच नहीं पाते हैं। आपके ये चेहरे पे जो है ना, वो अंदर से जो प्रॉब्लम है उससे वो क्योर नहीं हो पाती। लेकिन बट जब मैं डॉक्टर उपासना मैम से मिली थी, उन्होंने गारंटी ली थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील हुआ था कि हाँ, कोई तो है जो वहाँ से मेरा क्योर हो सकता है, और मुझे बिलीव था कि हो जाएगा। तो कैसे पता चला था डॉक्टर उपासना के बारे में? मेरी सिस्टर है, उनकी बेटी है अलीज़ा। हाँ। तो उसी से पता चला था मुझे, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था, काफ़ी टाइम पहले सजेस्ट किया था। ठीक है। बट मैं विजिट नहीं कर पाई थी। ठीक है। तो बट उसी ने मुझे सजेस्ट किया, उसी को भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ। तो फर्स्ट टाइम आप कब आए थे यहाँ पे? फर्स्ट टाइम में इस, अब जो मैंने विजिट किया है, 6 मंथ हो चुके हैं मुझे। ठीक है। और मेरा फेस काफ़ी पहले से बिल्कुल क्लीन हो चुका है, जितना पहले फेस में ब्लैकिश होता था फेस। कितने परसेंट आराम है आपको? 90% आपको आराम है जी। अच्छा, जैसे आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए थे, क्योंकि 6-7 महीने आप वो सॉरी 6-7 साल आप परेशान रह जी, चुके बहुत हो ज़्यादा। तो आपको कॉन्फिडेंस था कि यहाँ पे मैं ठीक हो जाऊँगी? जी, 50% कॉन्फिडेंस, 50% था कि सही हो जाऊंगी, क्योंकि आयुर्वेदिक होता है, तो अगर आपको वो फायदा भी नहीं करेगा तो आपको नुकसान नहीं करेगा, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं होती, तो सबसे अच्छा तो ये रहता है आयुर्वेदिक में। 7 साल में कितना पैसा आपने अपना लगाया होगा? बट उसका रिजल्ट मुझे मिला है, तो मुझे उस चीज की 7 साल जो अभी तक, मतलब पहले, उससे पहले ऐसा तो कंटिन्यू तो नहीं किया था कहीं से, फिर भी काफी हुआ था, कम से कम 2-3 हज़ार मैंने खर्च किया था इससे पहले। बट महीने महीने जी, महीने में तो नहीं पूरे, क्योंकि मैंने इतना कभी ध्यान भी नहीं दिया था इस चीज़ को स्टार्टिंग में, क्योंकि इतनी कोई एज भी नहीं थी, इतनी कम एज पर हो गया था। और थोड़ा ये था बाहर पोल्यूशन वगैरह में, तो मैंने ध्यान नहीं दी थी इस चीज़। लेकिन जब इस टाइम पर ध्यान आया कि हाँ, करनी चाहिए स्किन की केयर, तो मुझे लगा तब मैंने स्टार्ट किया था। ठीक है। उसके बाद से किया था, बट उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला। ठीक है। अच्छा, जब यहाँ पर आप आए थे, फर्स्ट मंथ आप मेडिसिन लेकर गए थे, तो क्या आपको मेडिसिन खाने में कोई दिक्कत वगैरह हुई? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और मैं चीज़ मुझे प्रॉब्लम रहती थी, जैसे ये कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम सभी को रहती है, और उसी से आपको बीमारियाँ होती हैं। ठीक है। वो मेन थी रीज़न, और मैम ने मतलब जो मेडिसिन दी हैं, तो उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा क्योर हुआ है, तो कॉन्स्टिपेशन भी क्योर हुआ है। अच्छा, आप जब यहाँ पे आए थे झाइयों की आप दवाइयाँ लेने, तो क्या आपने उस टाइम पे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बताई थी?
नहीं बताई थी। सेकंड चीज मुझे मेरे फेस पर थोड़े से फ्रेकल्स थे जो मुझे नहीं मालूम था, उन्हें फ्रेकल्स बोलते हैं जो तिल बन जाते हैं और मैं बहुत परेशान रहती थी, वो मंथली बढ़ते रहते थे, पता ही नहीं चलता था क्यों हो रहा है। डॉक्टर से कहा, डॉक्टर ने बोला कि ये नहीं जाएंगे। उसके बाद फिर मैम को दिखाया तो मैम ने बताया मुझे, तो मुझे मालूम है कि स्किन में मेरा ये प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम पता ही नहीं थी अपने स्किन। मतलब कॉन्स्टिपेशन भी ठीक हुआ जी, फ्रेकल्स वाली प्रॉब्लम भी ठीक हुई, फिर आपका जो मलाजमा है वो भी ठीक हुआ, और मात्र वो एक दवाई से। जी जी, शुरू में आपने नहीं बताया था कि मुझे कॉन्स्टिपेशन है, लेकिन उन्होंने जो झाइयों की दवाई दी तो उससे आपने खुद ही फील किया कि जो मेरी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो रही है। जो हमारी दवाइयाँ हैं ना, वो काम ऐसे करती हैं कि जो आपके शरीर में डेफिशिएंसीज हैं उस पर काम करती हैं। तो जब वो शरीर में डेफिशिएंसीज आपकी सारी खत्म होती जाएंगी, खत्म होती जाएंगी और आप हेल्दी होते जाओगे, तो जो कॉन्स्टिपेशन वगैरह, जोड़ों में दर्द, मतलब अब ये नहीं है कि आपको बहुत सीवियर कॉन्स्टिपेशन है तो वो झाइयों की दवाई से ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर जो थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं वो इसमें आप देखोगे, आपकी बॉडी में ऐसे ऐसे चेंजेस होते जाएंगे कि वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक होने लगेंगी। फिर आपको जो मेलाज़मा है उसमें आपको रिलीफ मिला है 6 महीने के अंदर 90%। कौन से महीने में आपको रिजल्ट दिखने लगा था? रिजल्ट तो 2 महीने में दिखा था। पहले महीने कोई आराम नहीं था? नहीं, आराम नहीं था। उसके बाद ये होता है कि स्किन जो हमारी वो होती है ना क्योर, तो नीचे से वो ऊपर आते हैं, डार्क हो जाते हैं। तो मैं थोड़ा डर गई थी, तो ये बीच में डार्क हो गए थे। तो उसके बाद मैंने डॉक्टर से सजेस्ट किया, मैम ने बताया मुझे, मैंने कॉल पर ही मालूम किया था, मुझे जो यहाँ पर रहते हैं मैम से मालूम करके उन्होंने मुझे बताया, कहने लगे कि ये स्किन आपकी अंदर से क्योर हो रही है तो वो ठीक हो जाएंगे, आप परेशान नहीं हो। तो मुझे थोड़ा रिलैक्स हुआ। उसके बाद वो जब 5th मंथ में वो ज़्यादा डार्क हो गए थे, फोर्थ मंथ में डार्क हुए, बट वो 5th मंथ में बिल्कुल क्लियर। जब मैं आई हूँ तो अब बहुत लाइट रह गया मेरा। अब इसमें ना 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आपको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये कमेंट आता है कि मेरा ना चेहरा और आप ख़राब कर रहे हो और डार्क पड़ रहा है। हमारे स्किन की ना 6 लेयर्स होती हैं, तो जैसे क्या होगा कि आप मेडिसिन कंज्यूम करते जा रहे हो तो वो लेयर बाई लेयर क्लीनिंग होती जा रही है। तो जैसे आपकी ऊपर वाली लेयर क्लीन हो गई, फिर जो उससे नीचे वाली लेयर है, क्योंकि जो मेलाज़मा है ना वो आपके 6 के 6 लेयर्स में बिल्कुल अंदर तक फैला हुआ है, फिर वो जो ऊपर वाली लेयर आपको कई बार हो सकता है वो काला दिख रही है, फिर उसके बाद आप और दवाई कंज्यूम करोगे वो क्लियर होगी। तो ऐसे करके 6 की 6 लेयर्स आपकी क्लीन होती हैं। इसलिए कई बार ऐसा होता है 2nd, 3rd, 4th मंथ में आपको हल्का सा जो पैचेज हैं वो डार्क लगने लगते हैं। दूसरी कंडीशन, वेदर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि बहुत ज़्यादा ठंड है, तो ठंडी जब शीत हवा जब लगती है हमारे चेहरे पे, तो कई बार हमारा जो स्किन का कॉम्प्लेक्शन वो ऑटोमेटिकली डार्क दिखने लगता है। जब स्किन का कॉम्प्लेक्शन हल्का सा डार्क दिखेगा तो जो हमारे ये जो पैचेस हैं वो भी डार्क दिखेंगे, या फिर जैसे बरसात का टाइम है तो ह्यूमिडिटी होने लगती है तो कॉम्प्लेक्शन हल्का सा डाउन होने लगता है, तो उसमें वो पैचेस इसलिए थोड़ा सा आपको ब्लैक दिख सकते हैं। पर इसमें दवाई ने कुछ नहीं किया है, आप पेशेंस रखोगे, आप जो पूरा कोर्स करोगे तो एंड रिजल्ट जो है वो कहते हैं ना कि आखिरी में सब अच्छा होता है, और जब तक अच्छा नहीं हुआ तो अंत हुआ ही नहीं है। तो ये चीज़ आपको विश्वास करने की ज़रूरत है कि हम ठीक करके देंगे आपको। यहाँ पर ये हॉस्पिटल है, कोई ऑनलाइन दवाई बेचने वाला वो नहीं है कि यार आज हम यहाँ हैं कल हम वहाँ हैं, हम कहीं भाग नहीं सकते हैं। आपने देखा होगा लोग जाके कभी फलानी जगह कैंप लगा रहे हैं, फलानी जगह कोरियन ट्रीटमेंट कर रहे हैं, फलानी जगह वो लेज़र पीलिंग कर रहे हैं, वो लोग तो भाग जाएंगे कल को, हमारा तो अपना हॉस्पिटल, हम कहाँ भाग के जाएंगे। तो ये विश्वास करने की ज़रूरत है। अभी मैम यहाँ पे बैठी है, कितने सारे लोग आपसे भी पूछते होंगे आप यहाँ पे कैसे ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, कितना आराम है। मैंने सजेस्ट भी किया है, मेरी सिस्टर भी ट्रीटमेंट ले रही हैं, सिस्टर की फ्रेंड भी ले रही हैं, काफ़ी सारे लोग हैं, बट आपको यकीन रखना पड़ेगा और इसमें टाइम लगता है। हाँ। तो लेकिन हो जाता है। जैसे 4th मंथ में आपका बढ़ा तो आप भी पैनिक हुए होंगे ना थोड़ा? जी, थोड़ा लगता है सभी को कि हाँ इतना टाइम हो गया है, मेडिसिन ले रहे हैं कंटिन्यू, और फिर ऊपर से भी मेडिसिन लेना आता है, इतनी दूर से विजिट करने आते हैं तो टाइम लगता है, पैसे भी खर्च होता है, बट इतना बिलीव था कि हाँ हो जाएगा, तो आपको यकीन रखना होगा। तो जब वो 4th महीने में हल्का सा फैलने लगा था, बढ़ने लगा था, उस टाइम पे मैम ने क्या बोला था आपको? मैम ने कहा था कि हो जाएगा, आपकी जो अंदर से जो लेयर्स होती हैं वो आपकी क्लीन हो रही हैं, तो उसमें टाइम लगेगा। बट मैं पढ़ती हूँ कमेंट्स भी, लोग कहते हैं कि नहीं हो रहा है, आपको बिलीव रखना पड़ेगा और आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा, एक चीज़ आप रेगुलर करेंगे तभी आपको उसका रिजल्ट मिल पाएगा। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतने अच्छे से पूरा एक्सप्लेन किया। अच्छा, महंगा तो नहीं लगाना ट्रीटमेंट? नहीं सर, महंगा नहीं है। अगर आप उसको देखेंगे स्टार्टिंग में, देखिए अगर आपको उसको जिसका रिजल्ट मिल रहा है और आप लगाएंगे मंथली, वो पूरा मंथ का पैकेज होता है। अगर आप कहीं और से भी लेंगे तो इतनी डॉक्टर की फीस भी होती है, और आयुर्वेदिक जो होती है मैं मानती हूँ कि उनमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है,
सब कुछ दवाई बनाने में, जड़ी बूटियां होती हैं सब, उनमें बहुत मेहनत लगती है और बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है। हमें ये पहले प्लांट्स लेके आने पड़ते हैं, उसके बाद वो भी बेस्ट क्वालिटी के, फिर उसके बाद कॉम्पोजिशन हमारी अपनी है, ये हम कोई थर्ड पार्टी सेल नहीं कर रहे। इसीलिए आपको अमेजोन वगैरह पे या फ्लिपकार्ट पे लिस्टेड नहीं है प्रोडक्ट्स हमारे, क्योंकि हम कोई थर्ड पार्टी वाला काम नहीं कर रहे, खुद से बनाई जाती हैं दवाइयाँ। जैसे आपने जो गोलियाँ खाई होंगी वो देखी होंगी, वो हैंडमेड है वो। तो इसी वजह से बहुत कॉस्ट हमें पड़ती है, हम फिर भी मतलब जितना बेस्ट पॉसिबल हो पाता है उतने कम रेट पे हम ये दवाइयाँ पेशेंट्स को दे रहे हैं। बट अगर अभी भी आपकी शिकायत है तो कोई ना, आप वीडियोस देखते रहिए, किसी ना किसी दिन ऐसा आएगा कि आपका अंदर से मन करेगा इतने लोग ठीक हो गए अब मैं भी ले लेती हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम इतने अच्छे रिव्यू के लिए। अगर आपको भी किसी भी बीमारी का इलाज करवाना है, हमारे चैनल पर पहले आप रिव्यूज़ देखिए, नीचे ये पट्टी चल रही है यहाँ पर नंबर दिया हुआ है, आप वो नंबर देखिए, उस पर बात करिए, जो हमारे हेल्थ काउंसलर्स हैं वो आपको गाइड करेंगे पूरा ट्रीटमेंट। देखिए डॉक्टर उपासना के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो एक दिन में अगर 400 पेशेंट है सबसे बात कर पाएँ, बट इसीलिए हमारी टीम है, हेल्थ काउंसलर्स हैं, और हेल्थ काउंसलर्स हैं हमारे डॉक्टर्स हैं, वो आपको पूरा गाइड करेंगे। तो विश्वास रखिए सब ठीक हो जाएंगे, घर बैठे बैठे भी आप दवाई मंगवा सकते हैं, नंबर नीचे मेंशन है। थैंक यू सो मच।